व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। तो बिना किसी भूमिका के आइए कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी पुरानी बात है, एक रियासत के राजा अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। राजा की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें भूख और प्यास लगना बंद हो जाता है, भूख और प्यास उनकी समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे उनका शरीर पीला पड़ने लगता है, पीला पड़ते पड़ते शरीर जर्जर होने लगता है, लेकिन राजा को भूख और प्यास नहीं लगती। अब राज्य के लोग, उनके परिवारजन, सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इलाज कर कर के थक जाते हैं। राजकुमार तथा राजघराने के बड़े बड़े चिकित्सकों ने उनका इलाज करने का प्रयास किया और अंत में सारी जाँचों के बाद में यह निष्कर्ष निकला कि राजा के शरीर की ग्रंथियों से निकलने वाले द्रव्य, जिसे लार कहते हैं, जो जीभ के द्वारा मुंह में तैयार होता है, लार बनना बंद हो गया है और इसी कारण से राजा की भूख और प्यास समाप्त हो गई है। काफ़ी परेशानी की बात है। बहुत सारे इलाज किए गए। एलोपैथिक इलाज के लिए बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया गया। उस समय एलोपैथिक अपने शुरुआती दौर में था, लेकिन काफ़ी प्रभावशाली उपाय माना जाता था, काफ़ी प्रभावशाली इलाज माना जाता था। कहा जाता था कि बस एलोपैथिक की एक गोली लो और ठीक हो जाओ। तो एलोपैथिक पद्धति के बड़े बड़े चिकित्सकों को बम्बई, कलकत्ता तक से बुलाया गया, वो भी फेल हो गए साहब। अब विदेश से जो है डॉक्टर्स को बुलाया गया, अमेरिका से डॉक्टर आए, उन्होंने भी अपनी अपनी दवाएँ दी, अपने तरीके से जाँच की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। राजा रोग मुक्त होना तो दूर हुआ, बल्कि उनकी भूख और प्यास बिल्कुल समाप्त हो गई। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब इनका बचना मुश्किल है, असंभव है। सभी लोग निराश हो चुके थे, राजघराने में मातम सा माहौल हो गया था। अचानक एक छोटे से गांव से एक आयुर्वेदिक वैद्य जी वहाँ आए। उनकी दीन दशा ठीक नहीं थी, कपड़े मेले कुचेले, लेकिन उन्होंने जब सुना कि राजा, हमारे देश का राजा, हमारे राज्य का राजा काफ़ी बीमार है, बीमारी से ग्रस्त है, असाध्य बीमारी से ग्रस्त है और सभी डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, बस राजा का मरने का इंतजार किया जा रहा है, तो साहब वैद्य जी राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। वहां जाकर वह राज्य के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपके राज्य का एक नागरिक हूँ और थोड़ा बहुत आयुर्वेद में समझता हूँ, मैं अपना कर्तव्य समझकर राजमहल तक चला आया हूँ, क्या मैं एक बार राजा साहब को देख सकता हूँ। पहले तो प्रधानमंत्री धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए, साधारण सी वेशभूषा वाले ग्रामीण को देखकर उपेक्षा भाव से देखते हैं, फिर अंत में सोचते हैं कि अब राजा तो मरने वाला ही है, आखिर दिखाने में क्या हर्ज है। तो उन्हें राजा से मिलने की अनुमति दे दी जाती है, चलिए ठीक है, आप भी देख लीजिए। वैद्य जी राजा के पास पहुँचते हैं, उनके नब्ज देखते हैं, उनकी आंखों को देखते हैं, उनका जीभ को देखते हैं। अचानक वैद्य जी के मुंह पर एक मुस्कुराहट दौड़ पड़ती है। राजकुमार से और प्रधानमंत्री से वह वैद्य जी बोलते हैं कि मैं इस रोग को समझ गया हूँ, अब बताओ कि इन्हें दवा खिलाकर स्वस्थ करूँ या दवा दिखाकर स्वस्थ करूँ। वहाँ मौजूद लोग उन्हें पागल समझने लगे। कुछ देर चुप रहने के बाद वैद्य जी ने फिर कहा, आप 10 युवक, 10 चाकू और 10 नींबू मंगवा लीजिए, मैं अभी इन्हें रोग मुक्त करके पूरी तरह से स्वस्थ बना सकता हूँ। वेद की बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए कि यार ये कौन सा तरीका अपना रहा है, लगता पागल है, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं अपनी अपनी दवाएं देकर थक चुके हैं और ये 10 नींबू 10 चाकू से जो है इलाज कर रहा है। लेकिन किसी के पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि राजा तो मरणासन था, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तो काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद 10 युवक मंगाए गए, 10 चाकू मंगवाए गए और 10 नींबू मंगवा कर वैद्य जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए। ठीक है, करिए आप इलाज। अब वैद्य जी जो है उन 10 युवकों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, सभी लाइन में खड़े हो जाए और सबके हाथ में एक एक नींबू और एक एक चाकू दे दिया जाए। ठीक है साहब, वैसा ही किया जाता है, सबके हाथ में एक एक चाकू, एक एक नींबू दे दिया जाता है। अब उन्हें बोलते हैं वैद्य जी कि मैं जैसे ही आपको इशारा करूँ, एक युवक राजा के पास जाएगा और वहाँ उनके मुँह के पास नींबू ले जाकर नींबू को काटेगा और फिर उसको उसके 2 हिस्से करने के बाद वहाँ रखे नींबू को जो है, वहाँ रखे बर्तन को जो है, बर्तन में नींबू को निचोड़ देगा। उसके बाद जब दूसरे युवक को मैं संकेत करूँ तो ठीक वैसा ही दूसरा युवक भी करेगा, इसी प्रकार से
10 युवक 10 बार जो है नींबू को काटेंगे। ठीक है साहब, बड़ी अनोखी चिकित्सा पद्धति थी, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन ठीक है। राजा के कमरे में रानी, राजकुमार, प्रधानमंत्री सभी बैठे थे, इस अद्भुत अनूठी चिकित्सा को, इस प्रयोग को देख रहे थे। वैद्य ने पहले युवक को इशारा किया और पहला युवक कमरे में चला आया। उसने राजा साहब को प्रणाम किया और नींबू को उनके मुंह के पास ले जाकर चाकू से काटा और फिर दोनों हिस्सों को पास में रखे बर्तन में निचोड़ दिया। 3-4 युवक जैसे ही राजा के पास आए और नींबू को काटा तो राजा साहब ने जीभ चलाई। चौथे युवक ने जैसे ही नींबू काटकर रस को निचोड़ा और राजा साहब की आंखों में चमक आने लगी। नींबू की रस की धार को देखकर नींबू का चिंतन करके राजा साहब के मुंह में पानी आने लगा। नींबू की खुशबू से राजा साहब का मुंह खट्टा होने लगा, उनकी ग्रंथियों से लार बनना शुरू हो गया और देखते ही देखते राजा साहब का मुंह लार से भर गया। वैद्य ने उन्हें नींबू के रस में थोड़ी तुलसी मिलाई और थोड़ी काली मिर्च मिलाकर पिलवाई और कुछ ही देर में राजा साहब उठकर बैठ गए और बोले, मुझे जोरदार भूख लगी है, कुछ खाने को लाया जाए। उनके शरीर में लार बनने वाली ग्रंथियां अपने कार्य करने लगी। अब तो राजा साहब का पूरा परिवार, राज्य के लोग, सभी लोग उस ग्रामीण वैद्य के प्रति नतमस्तक हो उठे। जहां बड़े बड़े अंग्रेजी पद्धति के डॉक्टर्स राजा को ठीक नहीं कर पाए, वहीं एक साधारण वैद्य ने अपने एक देसी नुस्खे से, घरेलू नुस्खे से राजा साहब को रोग मुक्त करके दिखा दिया। राज परिवार के लोगों ने वैद्य को स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन वैद्य ने कहा, मैं इस राज्य का नागरिक हूं और क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अपने राजा के स्वास्थ्य के लिए कुछ करूं? तो यह कहकर उसने, यानी वैद्य ने, इनाम लेने से इनकार कर दिया और लोगों को समझाया कि बड़ी बड़ी अंग्रेजी पद्धति काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन कई बार घरेलू उपाय उनसे भी अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।